पीड़ितों को न्याय दिलाए जाने के चक्कर में मिलक में पीड़ितों के मकान ढाए जाने के मामले में सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने डीएम से मुलाकात की। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र चक्कर के मिलक में रामगंगा नदी किनारे कुछ लोगों के निर्माण कार्यों को ढहा दिया गया था। इस मामले में पीड़ितों के निर्माण कार्य ढहाने पहुंची टीम पर आरोप लगाए थे कि जमीन के बेनामी होने के बाद भी उनके निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया गया। इसी मांग को लेकर पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए हंगामा भी किया था। पीड़ितों के समर्थन में सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार से मुलाकात करने पहुंचे और पीड़ितों के इस मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की। वही जिलाधिकारी ने भी सांसद को आश्वासन दिया है कि कमेटी बनाकर मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। उनका कहना है कि इसमें उन लोगों के पास जिनके इंक्रोचमेंट हटवाए गए हैं उनके पास बैनामे हैं, तो इस आशय को उन्होंने प्रार्थना पत्र ज्ञापन दिया है। उसका कमेटी बना करके जांच करवा लिया जाएगा और जो भी उचित कदम होगा और नियम संगत कदम होगा। मैं इस पूरे मामले पर एस टी हसन ने क्या कुछ कहा जरा आप भी सुनिए। सब कुछ होने के बाद बगैर किसी नोटिस के उन गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए। नोटिस देना हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चीज़ उजाड़नी है तो पहले नोटिस दें और नोटिस के बाद ही उसको तोड़ें ताकि उसका जवाब तो सुन लें। ये ऐसा लगता है कि हिटलर शाही चल रही है, गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है, उसकी कोई आवाज़ नहीं है। अगर यहाँ पे सही से इंक्वायरी नहीं हुई और अधिकारियों को बचाने की बात हुई तो यकीनी तौर पर अगले सेशन में पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठेगा।